हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से होंगे। आज बहुत सीरियस मैटर हम लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर। किस तरीके से आप, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है आपके लिए नीट के लिए एग्ज़ाम, और जेई के तो चल ही रहे हैं, क्या आप ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिसमें कि आपका सिलेक्शन होना मुमकिन है, हो सकता है? अभी तक जो भी गलतियां किया आपने, अभी जो भी मिस्टेक्स हुई है लाइफ में, या जो पिछले सालों में या पिछले साल में अगर आप ड्रॉपर हैं, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ आगे सोचने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि अब सिलेक्शन हो जाए। उस सिलेक्शन के लिए हम आए हैं स्ट्रेटजी लेकर के आपको बताने के लिए। सबसे पहले ये कि आप ऐसा क्या करें मोटिवेट जिसमें कि आपकी एनर्जी डाउन ना जाए। एनर्जी डाउन नहीं जाएगी जब आप कुछ ऐसी खास बातों को अपने माइंड में हर वक्त ही सोचते रहेंगे, इस बात पे सोचते रहेंगे हमें कुछ अलग करना है। स्टूडेंट, आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते जो आपके अंडर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ पैदा हुए? आप शायद इलिटरेट घर में पैदा हुए, अनएजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं थे, आप रूरल एरिया में, गांव के इलाके में हो गए जहाँ पर एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं था, आपको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत से ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा आपके माइंड सेट में है कि हम ऐसे ऐसी प्रॉब्लम थी हमारे पास, इसलिए हम ऐसा अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ, जो आप नहीं बदल सकते तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन आप इतना पक्का बदल सकते हो कि अब से पढ़ करके नेक्स्ट में आप लाइफ इतनी अच्छी चेंज कर सकते हो कि आप जो भी चाहो, लाइफ के बिल्कुल फाइनल पड़ाव पर आप ये कह सकते हो कि हाँ, हमने जो भी कुछ चाहा वो कर दिया, और हमने जो भी अपने सपने सजोए थे, हमने बिल्कुल जो भी सपने देखे थे, हमने जो चेंज करने की कोशिश किया था, जो हमने सोचा था कि हम इस दुनिया में बदल देंगे, हम देश का नाम रोशन करेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे, हम इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करेंगे, लोगों को अच्छा एजुकेट करेंगे, लोगों को अच्छी तरीके से रास्ता दिखाएंगे, जो भी हम आने वाली जनरेशन को, जो हमें प्रॉब्लम आई है, जो मुझे प्रॉब्लम आई है, मैं उसको बदल दूंगा और लोगों को सफल नहीं करने दूंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं आ पा रही, थोड़ा सा आप बाहर जाएं, देखिए कि कितने रोड पर लोग ऐसे ही सो रहे होते हैं जिनका कोई एम नहीं है। हमें और एनिमल में से इतना ही डिफरेंस है कि हमें सेंस दे करके गॉड ने पैदा किया है, सेंस दे करके हमें हमें सेंस है, हमें क्या करना है, हमें कुछ अलग मिशन पे है हम लाइफ में, हमें ये सोचना है कि हमें कुछ अलग अचीव करना है, हमें कुछ अपनी लाइफ, अपने घर के हालात को बदलने हैं, हमें अपनी कम्युनिटी के हालात को बदलने हैं, हमें अपने देश के हालात को बदलने हैं, हमें यहाँ पर अलग जो हम में कमियाँ रही हैं वो हम अगले आने वाली जनरेशन में हम उसको बदलना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जो ऐसे एनर्जी हमारी ना डाउन जाए। आप थोड़ा सा अपने पापा के फेस देख लिया करें, सुबह में पापा के फेस देखा करें, वो कितनी मेहनत से करके आपको पैसे देते हैं, किस तरीके से आपने ट्यूशन ज्वाइन किया है, किस तरीके से आपने अब तक इतना पढ़ते आए, कितने पैसे लगे हैं, और उस पर भी अगर बाई दे आप देखो, पापा कुछ भी आपको टाइट नहीं रखते, डांटते नहीं हैं, मम्मी देखो आपकी वजह से कितने सफ़र करते हैं, आप इन सब बातों को सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, हमें सच में पढ़ना चाहिए, हमें सच में कुछ अलग हटके करना है, हम बदल देंगे बिल्कुल। अगर आप ऐसा कर पाते हो, अगर आप ऐसा समझते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी है। अगर आपके अंदर एनर्जी है ऐसी कंडीशन में, और थोड़ा सा पीछे भी कुछ हाल में भी कोरोना गया, आप समझ सकते हो जो भी डॉक्टर थे कैसे, उनके हालात कितने अच्छे थे, जो डॉक्टर थे उनके यहाँ थोड़ी भी प्रॉब्लम आती थी किसी को भी, अगर वो खुद भी दवा बता दिया करते थे, घर पे ही रह के आराम हाँ ट्रीटमेंट कर लेते थे, वरना आपको पता है हॉस्पिटल जाने के बाद क्या क्या हुआ है लोगों को, क्योंकि खुद डॉक्टर भी उनको डॉक्टर के लिए कंप्लीट अवेयरनेस नहीं थी, या अवेयरनेस नहीं थी, डायग्नोसिस क्लियर नहीं था कि क्या दिया जाए जिससे हो जाए, वो भी बेचारे डर रहे थे, और क्या क्या हुआ आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आप अभी उसी उसी हालात से आप पास होके आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से मोटिवेट है, एनर्जी आप ऑप्टिमाइज करें हर वक्त, रोज़ सुबह उठ करके ये जो मैंने बातें बोली हैं ये करें। दूसरी बात, बी ऑनेस्ट, अपने स्टडी के बारे में ऑनेस्ट हो, आप ये समझे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपको क्या नहीं आता, पहले ये क्लियर करें, अपना माइंडसेट बनाए कि मुझे क्या नहीं आता और मुझे क्या आता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, कुछ ऐसी भी चीज़ें शायद नहीं भी कर सकते, आप इसे 1 महीने में चेंज करने की कोशिश ना करें, अब नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ करें जो हम करके अच्छा कर सकते हैं, जो हम करके जो हम टॉप कर सकते हैं, करके हम निकाल सकते हैं, हम उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। तो हम बताना ये चाहते हैं कि अगर बाय द वे आप अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की, अगर आप अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ चुके हो, तो आपको नो डाउट उसी पर स्टे ना करें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, खूब ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें,
आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे एनसीईआरटी क्लियर हो गई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, तो आपको फील आएगा कि डेफिनेटली अभी मुझे प्रॉब्लम है। फिर से आप एनसीईआरटी बैक जाएं, फिर आप वहां से देखें लाइन टू लाइन कि आप देखें कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हुआ था, जो क्वेश्चन यहाँ आपको लग रहा था शायद मुझे एनसीईआरटी तो सारी आ गई, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन देखा फिर से वापस गए तो आपको लगा कि नहीं अभी तो मुझे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, अभी तो मेरी बिल्कुल लाइन वाइज नहीं क्लियर, ये क्वेश्चन ऐसी गलती होगी जो मुझे मैंने तो